आप देख रहे हैं दखल न्यूज। यहाँ बात करेंगे बस्तर के आईजी श्री विवेकानंद सिन्हा जी से। हम उनसे जानना चाहेंगे कि बस्तर की पुलिस नक्सलवादी मोर्चे पर ट्रायल लड़ रही है, दूसरी लड़ाई उसको लड़नी पड़ती है बस्तर के विकास को लेकर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और हमने देखा है कि पिछले 2 सालों में पुलिस ने बस्तर के विकास को लेकर काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी कीमत भी चुकाई है उसकी। कई बड़े ऐसे हमले हुए हैं सड़कों की सुरक्षा करते करते, इसमें जवान भी शहीद हो गए हैं, घायल भी हुए हैं। इसके बाद भी पुलिस आज भी पूरी मुस्तैदी के साथ नक्सली मोर्चे पर लड़ रही है, साथ ही बस्तर के विकास को भी एक आयाम दे रही है। तो हम सीधे बात करते हैं सिन्हा साहब से और जानते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और कितना काम हो रहा है, कितना हो चुका है। बता दें सर, बस्तर के विकास को लेकर भी एक भूमिका पुलिस का निभा रही है, पुलिस काफ़ी जिम्मेदारीपूर्ण है, कई घटनाएं घट चुकी हैं, तो किस नज़रिए देखते हैं आप इस समस्या को? नहीं, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, जो बस्तर रेंज है जिसमें 7 जिले आते हैं, वो 7ों जिले नक्सली समस्या से ग्रसित हैं। परंतु पिछले कुछ वर्षों में हमने नक्सली समस्या पर काफ़ी सफलता अर्जित की है और इसको उदाहरण स्वरूप अगर देखें तो विधानसभा चुनाव जो 2018 है उसको हमने सक्सेसफुली उसको कंडक्ट कराया और उसमें भारी संख्या में मताधिकार अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए आगे आए, वोटर्स मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आगे आए। उसी प्रकार से वर्ष 2019 में जो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ उसमें भी भारी संख्या में वोटर अपने वोट को कास्ट करने के लिए आगे आए और पूरे रेंज में वोटिंग परसेंटेज पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ा है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है किस प्रकार से यहाँ के ग्रामीणों ने डेमोक्रेसी में एक फिर उसमें विश्वास व्यक्त किया है। और ये जो सारा जो चेंजेस को देखने को मिल रहा है, इसमें सबसे जो अहम है कि पुलिस और जो यहाँ पे सुरक्षा बल तैनात है उनके द्वारा जो अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार नक्सलियों के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ में पुलिस एक्शन के साथ साथ में जो विकास के काम हैं उसके अलावा जो कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से हम लोगों के साथ एक जीवंत संवाद बनाने में कामयाब हुए हैं, जिससे कि हम लोगों में ये विश्वास दिलाने में सफल हुए हैं कि जो पुलिस या सुरक्षा बल है वो यहाँ पे उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सहयोग के लिए है और कुछ हद तक जो हम कहते हैं विनिंग ऑफ द हर्ट्स एंड माइंड, उसको हम जीतने में सफल हुए हैं। इसी का परिणाम है कि पुलिस एक्शन के साथ साथ नक्सलियों के विरुद्ध हमने विकास के बहुत काम किए हैं और उसमें हमने यहाँ की सुरक्षा बलों ने, पुलिस ने सुरक्षा दी है, जिसके कारण से बस्तर रेंज में करीबन 250 से 300 किलोमीटर जो मुख्य सड़क है उसका निर्माण हुआ है। उसमें प्रमुख रूप से जैसे अगर देखेंगे एंजेराम से भेजी का सड़क जो कि करीबन 25 किलोमीटर का है, उसके अलावा जो सुकमा से कोंटा जो NH है जो पिछले 10 सालों से वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, उसको पिछले वर्ष हमने सुरक्षा लगातार देके उसको पूरा कराया, वो 76 किलोमीटर का है। उसी प्रकार से दोरनापाल से जगरगुंडा उस सड़क का भी काम चल रहा है और अभी हम तिमिलबेड़ा से आगे तक उसमें पहुंच चुके हैं। दूसरी सड़क जो दंतेवाड़ा ज़िले में जो पालनार से जो जगरगुंडा को जोड़ती है उसमें हम कोंडा सामली तक पहुँच गए हैं और कोंडा सामली से फिर आगे हम उसको जगरगुंडा जोड़ेंगे। उसी प्रकार से एक नारायणपुर पल्ली बारसूर एक मुख्य मार्ग है, पहले उसमें बसेस चला करती थी और उस पर भी हमने अंदरूनी क्षेत्रों में कैंप बैठाए हैं कड़ेनार तक और उसमें भी सड़कों का निर्माण काम चल रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि 2015 से अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2015 से इस जो भी सड़कों का काम हो रहा है या जो उस पर जो पुलें बन रहे हैं या कलवर्ट बन रहे हैं उसमें हमने 57 जवानों को हमने खोया है, 57 जवान इस निर्माण कार्य में शहीद हुए हैं और इसके अलावा 85 जवान इसमें घायल हुए हैं। तो जवानों ने सड़कों के निर्माण के लिए अपनी शहादत दी है और इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए शहादत दी है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ता है वैसे वैसे उन क्षेत्रों में जिनको हम जोड़ पाने में सफल होते हैं वहाँ पे समस्या अपने आप धीरे धीरे कम होने लगती है। तो
ये हालात यहाँ पे भी है। हमने जहाँ जहाँ पे अंदरूनी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया है, गाँव को जोड़ा है, तो गाँव के जो ग्रामीण हैं वो बाहर आने में सफल हुए हैं। लगातार वहाँ पे गाँव में, चाहे वो बारिश का सीज़न हो, चाहे अन्य सीज़न हो, या कोई अगर गांव में बीमार पड़ता है, उनको लाने के लिए एम्बुलेंसेस गांव में आराम से पहुंच सकती है। इसके अलावा गांव का जो बाहरी दुनिया से टच है उसको लगातार बना रहता है, जिसके कारण से ग्रामीणों को पता चलता है कि एक्चुअल में विकास क्या है। और इसके कारण से आज अंदरूनी क्षेत्रों के ग्रामीण भी चाहते हैं कि उनके गाँव में भी बिजली हो, उनके गाँव में भी स्कूल हो, उनके गाँव में भी हॉस्पिटल हो, और लगातार अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन के पास आ रहे हैं। तो मैं निश्चय ये कह सकता हूँ कि पिछले 2 वर्षों में, उसके पहले लगातार पुलिस एवं यहाँ पे सुरक्षा बल जो तैनात है उनके द्वारा लगातार विकास के काम में सहयोग किया जा रहा है, और इसमें विकास के काम में सुरक्षा कर्मियों ने अपनी शहादत भी दी है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, और निश्चय ही आने वाले दिनों में जो नक्सल समस्या है उसको हम सफलता से उसको काबू करने में सफल होंगे। आपसे से जानना चाहूँगा कि अपन ये देख रहे हैं काफ़ी समय से कि अब पहले जो नक्सलवादी लगातार सीधे हमले करते थे पुलिस के ऊपर में, आमने सामने लड़ाई लड़ते थे, अब उनका वो आमने सामने लड़ाई लड़ने का पैटर्न खत्म हो चुका है। अब वो आईडी का इस्तेमाल करते हैं, अब वो छुप के वार करते हैं। तो और काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा गया है कि नक्सलवाद काफ़ी हद तक पीछे हटाया, तो क्या नक्सलवादियों की ताकत अब इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो सीधी लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है? जो रणनीति है वो गुरिल्ला वारफेयर की रणनीति है, जो कि नॉन कॉन्वेंशनल वारफेयर, और हमेशा से नक्सलियों के जो वारफेयर की जो स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट उसमें स्टेजेस में चलते हैं। तो बीच में कुछ कुछ जगहों पे जब उन्होंने फोर्सेस के ऊपर हमले किए थे या एम्बुश किया था, वो मोबाइल वारफेयर का एक उदाहरण था। तो हमेशा से गुरिल्ला वारफेयर में जब भी जहाँ पे उनको फोर्सेस कमज़ोर लगती है या जहाँ पे उनको वीक पॉइंट लगते हैं, वहीं पे नक्सली या माओवादी अटैक करते हैं, और हमेशा से उनका जो आईडीज़ हैं वो उनका पोटेंट वेपन है, सबसे बड़ा हथियार आईडीज़ ही है। और चूंकि बीच में लगातार हमने नक्सलियों के ऊपर ऑपरेशन करके, ग्रामीणों के साथ लगातार संवाद कायम करके थ्रू कम्युनिटी पुलिसिंग, हमने नक्सलियों के ऊपर एक प्रेशर बनाया, और कई क्षेत्रों में हमको पीछे धकेलने में कामयाब हुए, जिसके कारण से नक्सली लगातार, जैसे कि दरबार डिवीज़न हो गया, ईस्ट बस्तर डिवीज़न हो गया, लगातार इन क्षेत्रों में लगातार अपने को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और पुनः जो कि उनका जो सबसे बड़ा हथियार है आईडीज़ हैं, प्रेशर आईडीज़ हैं, बूबी ट्रैप हैं या स्पाइक होल्स हैं, पुनः अपने जो कैडर हैं उनको वो बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इन्हीं का उपयोग करके सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया जाए। तो पुनः सबसे ज़्यादा आईडीज़, प्रेशर आईडी, बूबी ट्रैप्स, स्पाइक होल्स उनके द्वारा यूज़ किया जा रहा है, और लगातार जहाँ जहाँ पे सड़कों का निर्माण होता है या जहाँ अंदरूनी क्षेत्रों में जहाँ पे हमारी फोर्सेस ऑपरेशन के लिए जाती हैं, उन मार्गों पे उनके द्वारा आईडीज़ लगाए जा रहे हैं, प्रेशर आईडीज़ लगाए जा रहे हैं, और इसमें कई हमारे सुरक्षा बल उसमें शहीद भी हुए हैं, परंतु लगातार हमारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, और हमारे पास जो भी इक्विपमेंट हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट, उसका भी हम उनको डिटेक्ट करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, और कई सारे हमने आईडीज़ को हमने रिकवर भी किया है। जैसे आज ही बीजापुर में एक प्रेशर आईडी में एक बेजुबान जानवर भैंस की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से इस आईडीज़ के चक्कर में कई भोले भाले निर्दोष ग्रामीण भी उसके चपेट में आ गए हैं। और तो मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नक्सलियों की जो क्रूरतम और सबसे जो असली चेहरा है यही है, वो किसी का भला नहीं चाहते हैं, वो केवल अपना भला चाहते हैं, और इसके लिए चाहे वो निर्दोष ग्रामीणों की जान हो, बेजुबान जानवरों की जान हो, उसको लेने के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं, और इसके कई उदाहरण बस्तर क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे। आज भी बीजापुर में एक बेजुबान जानवर की प्रेशर आईडी के चपेट में आने के कारण मौत हो गई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लगातार नक्सलियों के द्वारा वैसे क्षेत्र में या वैसे जगहों पर हमला किया जाता है जहाँ पर उनको लगता है कि कमज़ोर है या छिप के पार करते हैं, और थ्रू आईडी के थ्रू फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। परंतु हमने जो पिछले जो कुछ घटनाएं हुई हैं उससे हमने सीखा है, और हमारे पास जो नए नए इक्विपमेंट आए हैं उसका हम लगातार उपयोग करते हैं, जिसके कारण से आज हम बड़ी संख्या में आईडी को रिकवर करने में कामयाब हो रहे हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, काफ़ी लंबे अरसे से चूँकि आप विभाग में हैं और आप इस समस्या से जूझते रहे हैं, क्या कोई सामाजिक और
राजनीतिक पहलू वैसा है जिसको अपन उपयोग किया जा सकता है और नक्सलवाद की समस्या को हल करने में कामयाब हो सकते हैं हम लोग? जो सभी समस्या का, जो भी नक्सल समस्या है, उसको हम डिफरेंट तरीके से मल्टी प्रॉन्ज स्ट्रेटेजी, जैसा कि एक पुलिस और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन हो गया, इसके अलावा जो विकास के कार्य हो गए, इसके अलावा जो परसेप्शन, जो मैनेजमेंट होता है कि किस प्रकार से नक्सलियों ने एक झूठा परसेप्शन बना के रखा है, और तीसरा जो हम ग्रामीणों के, यहाँ के ग्रामीणों के साथ हम लगातार संवाद, जो एक जीवंत संवाद होता है, उसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ क्षेत्रों में हम कामयाब भी हुए हैं। और सभी सातों जिलों में, बस्तर रेंज के सातों जिलों में कम्युनिटी पुलिसिंग के कार्यक्रम विभिन्न नामों से चल रहे हैं, इसका अच्छे प्रतिसाद भी मिले हैं और इसके काफ़ी अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट, सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम विधानसभा चुनाव में देखने मिलते हैं जिसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, उसके बाद लोकसभा चुनाव 2019 में देखते हैं जिसमें और भी उससे आगे वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। तो निश्चय ही ये सबसे बड़ा उदाहरण है, जीवंत उदाहरण है कि किस प्रकार से लोगों का, यहाँ की जो शासन प्रणाली है, यहाँ का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेसी है, उसके प्रति उनका किस प्रकार से विश्वास बढ़ा है और उस विश्वास को उन्होंने दिखाया है। तो निश्चय ही हम कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से, और इसमें हम ग्रामीणों को जोड़ते हैं, हम फोर्सेस गांव में जाते हैं, उनके साथ हम समय को व्यतीत करते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में रूबरू होते हैं, और जो समस्या पुलिस से संबंधित होता है उसको हम तत्काल निराकरण करने का प्रयास, और जो अन्य विभागों से संबंधित होता है उनको हम अन्य विभागों से संपर्क करके उनका निराकरण करते हैं, जिसके कारण से आज हम ग्रामीणों में ये विश्वास दिलाने में कामयाब हुए हैं कि जो फोर्सेस या जो पुलिस यहाँ पे है उनकी सुरक्षा के लिए है, उनके सहयोग के लिए है और उनके सहायता के लिए है, उनके क्षेत्र में विकास करने के लिए है। और इसी में मैं कह सकता हूँ कि कई क्षेत्रों में हमने ग्रामीणों के सहयोग से सड़कों का निर्माण कराया, जैसे कि कांकेर क्षेत्र में, जो कि कांकेर से एक मर्दापोटी से जिला मरी है, तो वहाँ पे सड़क का निर्माण हमने ग्रामीणों के सहयोग से कराया। इसी प्रकार से भैरमगढ़ से पास में एक 5 किलोमीटर का सड़क था जिसमें हमने उनका निर्माण ग्रामीणों के सहयोग से कराया। तो हमें ग्रामीणों का अच्छा सपोर्ट और उनका कोऑपरेशन मिल रहा है, तो धीरे धीरे जिस प्रकार से हम अभी काम कर रहे हैं इसको हम और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इसमें हम ग्रामीणों को जोड़ते हैं। तो निश्चय ही सबसे जो बड़ी चीज़ है, जहाँ की समस्या है, जब तक वहाँ के लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक उस समस्या से निजात नहीं पा सकते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ के ग्रामीणों को समझ में आ रहा है कि जो नक्सल समस्या है, सबसे जो उनका जो पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है नक्सल समस्या है, आज यहाँ के ग्रामीण उस बात को समझ रहे हैं और जिसके कारण से ग्रामीण बड़ी संख्या में आगे प्रशासन और पुलिस के पास आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र का विकास हो, उनके क्षेत्र में स्कूल हो, उनके क्षेत्र में हॉस्पिटल हो और उनके क्षेत्र में बिजली हो अन्य क्षेत्रों की तरह, और इसमें ग्रामीण धीरे धीरे अपनी सहभागिता भी निभा रहे हैं और बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। देखा कि किस तरह से पुलिस महकमा फोर्स मोर्चे पर भी नक्सलवाद से लड़ रही है, बस्तर के विकास को लेकर भी उनकी इकलाई चल रही है, सामाजिक तौर पे भी लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, काफ़ी सफलता मिली है, सूचनाएं भी मिलना चालू हुई हैं और अपन कह सकते हैं कि नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में बस्तर पुलिस फोर्स बहुत बेहतरीन काम कर रही है और ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इस समस्या का समाधान निकलेगा। राजनीतिक तौर पे भी मुख्यमंत्री महोदय ने भी बात दोहराई है कि हम इसके राजनीतिक पहलू भी देखेंगे और सामाजिक पहलू भी देखेंगे, तो कई मोर्चों पे लड़ाई लड़ी जा रही है और निश्चित तौर पे बहुत जल्द बस्तर छत्तीसगढ़ इन समस्याओं से मुक्ति पा सकेगा। दखल न्यूज के लिए संजीव पचौरी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।